A1 हॉस्पिटल डॉक्टर बी एकेश चंद्र MBBS MD पीडियाट्रिक बाल्य एवं शिशु विशेषज्ञ। हमारा पता है सोनकर सिटी LIC ऑफिस के पास बिलासपुर रोड मुगेली। मोबाइल नंबर 7999875001। खबर है राजनांदगांव क्षेत्र का, जहां पर विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये कैसे भूल जाते हैं कि देश की आधी आबादी गांव में ही निवास करती है। गांव के विकास से ही देश के विकास का आंकलन किया जाता है, लेकिन जब गांव में ही मूलभूत समस्याएं बनी हुई हो तो उस गांव और गांव वालों का विकास कहें अविनाश सोचने वाली बात है। खबर है राजनांदगांव क्षेत्र के सालेवारा मंडल के वनांचल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सरई पतेरा का, जहां पर अपनी मूलभूत सुविधाओं की कमी का दंश झेलने मजबूर हो रहे हैं वहां के ग्रामीण। यहाँ आवास की समस्या, पेयजल की समस्या, नेटवर्क सुविधाओं का अभाव, गली कॉन्क्रीटीकरण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से काफी पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र में टावर नहीं लगने के कारण नेटवर्क की समस्या हमेशा बनी हुई है, जिसके चलते बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन की ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ कोरी कल्पना साबित हो रही है। हमारे गाँव में सबसे ज्यादा समस्या है पानी जो है, लेकिन टावर की ज्यादा समस्या है। लइका मन की लिखाई पढ़ाई में प्रॉब्लम होते और आजकल ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे थे, जब टावर नहीं है तो ऑनलाइन में बच्चा मन कैसे पढ़े, ऐसे भी स्कूल बंद है, लइका मन की भविष्य ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। सर हम लोग पता किए थे तो बोलता है कि सरई पतेरा का नाम ऑनलाइन में है ही नहीं। ग्राम पंचायत सरई पतेरा में PM आवास योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब तक इस गांव में लगभग 16 से 17 आवास ही बन पाया है, बाकी गांव वालों का नाम शासन के ऑनलाइन में शो नहीं करना बताया जा रहा है, जिसके चलते PM आवास योजना का लाभ ग्रामीण नहीं उठा पा रहे। इसी तरह पेयजल और सड़क की भी कमी बनी हुई है। ये सरई पतेरा जो ग्राम पंचायत सरई पतेरा है, मेरा ये क्षेत्र में आता है, क्षेत्र मार्केट में मैं गई थी वहाँ पे, तो मुझे भी वहाँ की समस्याओं से अवगत कराया गया है। वहाँ की जनता जो है मेरे को बताए हैं कि यहाँ यहाँ ये समस्या है करके, तो जैसे वहाँ बहुत सारे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे टावर का जो समस्या है तो उसके लिए मैं जियो कंपनी वालों को आवेदन दी हूँ, और जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए तो वहाँ पे जो बच्चे लोग का जो ऑनलाइन क्लासेस है वो सुचारू रूप से उन लोग को लाभ मिल पाए, जिससे कि बच्चे पढ़ सके, ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सके। राजनांदगांव के सालेवारा से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।